ऑफ ऑल यू टेल मी योर। चलिए यस स्टूडेंट्स, एनी डाउट इफ यू आर हैविंग यू कैन आस्क। आई थिंक आई हैड सेंट द सॉल्यूशंस ऑफ असाइनमेंट आल्सो इन योर फिजिक्स ग्रुप, राइट? तो उसके बाद अभी कोई डाउट होना तो नहीं चाहिए, बट इवन देन चलिए लिखिए वन क्वेश्चन। यू राइट डाउन वन क्वेश्चन। इज इट पॉसिबल फॉर एन ऑब्जेक्ट, इज इट पॉसिबल फॉर एन ऑब्जेक्ट टू हैव वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन? दिस इज अ कंसेप्चुअल फॉर मोशन इन वन डायमेंशन। इज इट पॉसिबल फॉर एन ऑब्जेक्ट टू हैव मोशन इन is it possible for an object to have velocity and acceleration mutually perpendicular? Mutually perpendicular. क्या ये हो सकता है? First of all, say yes or no. Yes, ma'am. Yes. So, any example? Ma'am, in a projectile at a highest point. Yes, projectile. Very good. Projectile क्या होता है? Are you aware? Suppose we throw a football at an angle of 45 degree. It goes like this. So when we give some initial velocity, a coin flicked off from a tabletop, that is also a projectile. So ye jo kicked football hai, that is an example of a projectile. Okay. So if we see at the highest point, you know already that velocity is given by drawing tangent at a point. So agar hum highest point pe tangent draw karein, to it is like this. So this is the direction of velocity at the highest point, but still acceleration due to gravity is acting in the vertically downward direction. So acceleration and velocity are perpendicular to each other. So one example you can quote here, at the highest point of a projectile. ठीक है, एक example आप ये दे सकते हो, at the highest point of a projectile. Second example you can give, in uniform circular motion. तो मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, मून अराउंड अर्थ, कुछ भी दे सकते हो आप, ठीक है? सो मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन या मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सो हाउ कैन यू ड्रॉ वेलोसिटी हियर एट दिस पॉइंट? बाय ड्रॉइंग टेंजेंट। एंड यू नो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द रेडियस अलोंग टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ऑलवेज अलोंग द रेडियस होती है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू आर साइकिलिंग अलोंग द सर्कल, आप साइकिल चला रहे हो, तो यू ट्राई टू टिल्ट योरसेल्फ टुवर्ड्स द सेंटर टू प्रोवाइड योरसेल्फ दैट नेसेसरी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो वही है ये। सो इट ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर, एंड अगेन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर परपेंडिकुलर इन दिस केस। ठीक है, तो ये दो एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हो यहाँ। Write another question now. Write another conceptual question. Is it possible for an object? Is it possible for an object to have zero velocity and non-zero acceleration? Is it possible for an object to have zero velocity and non-zero acceleration? तो कोई एग्जांपल सोच के बताइए, कहाँ पे ऐसे होता है कि वेलोसिटी जीरो आ रही हो पर एक्सेलरेशन नॉन जीरो आ रही हो? यस मैम, जब एक बॉल को ऊपर फेंकते हैं एकदम इन वर्टिकल डायरेक्शन, तो एट हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी जीरो होती है बट एक्सेलरेशन नीचे। एट द हाईएस्ट पॉइंट व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अप, तो एक ऑब्जेक्ट को हमने ऊपर थ्रो तो हमने किया किसी इनिशियल वेलोसिटी से, वो तो आप उसके विदाउट, आप बॉल को प्रोजेक्ट कर रहे हो वर्टिकली अपवर्ड, तो आपको इनिशियल वेलोसिटी तो देनी पड़ेगी। बट एक फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट के लिए आप कह सकते हो यू जीरो, उसके लिए हमें यू नहीं देना पड़ता। आपने एक चौक गिराना, बड़े आराम से गिरा दिया, वो फ्री फॉल कर रहा है, उसके लिए यू जीरो है। बट वेन वी थ्रो एन ऑब्जेक्ट वर्टिकली आप, ये ऊपर जाके पहले रुकती है फिर वापिस आती है, सो एट द हाइएस्ट पॉइंट वेलोसिटी इज जीरो। बट वाई डज इट कम बैक? Because earth is still pulling it, acceleration due to gravity is still acting on it. ठीक है, तो ये ऊपर जाते हुए इसकी acceleration अभी भी act कर रही है इसके ऊपर, minus g थी ना ये, so still the acceleration is non-zero but velocity is zero. So you can write this example, at the highest point when an object is thrown vertically up.
when an object is thrown vertically up. All right, write a question now. VT graph is given to you for two cars A and B. VT graph has been given to you for two cars A and B. You have to tell which of these is traveling, XT graph hai, which of these cars is traveling faster? Kaun si car faster travel kar rahi? Yes. XT graph for two cars A and B is given. Which of the cars is traveling faster? Bataiye. M car A. Car A. Yes, car A. Faster means we are asking the velocity. We are asking the speed of the cars. You know that slope of XT graph gives us velocity or speed. So we will calculate slope of both the lines. Slope of line B, matlab velocity of car B is tan 30 degree. Tan 30 kya hota hai? 1 by root 3. So speed of car B is tan 30 degree. That is 1 by root 3. 1 over 1.707 karke dekh lijiye. 1.732. Aur velocity of car A will be tan 60 degree. Which is root 3, which is 1.73. So obviously, car A is traveling faster. So that means we should know this result, that slope of VT graph gives us velocity or speed of the particle. All right. Chaliye. All of you with me, you derive that formula, distance traveled in nth second. Who will tell me the formula first? What is the formula for dn, distance traveled in nth second? Yes, raise hand. Kaun batayega? Yes, hurry up, come on. Distance traveled in nth second ka formula kya hai? Yes, Mannat. Mannat, will you tell? Yes, Riddhi. Ma'am, dn is equals to sn minus 1. वो तो चलो हमने स्टार्ट किया था ना. फॉर्मूला क्या आया एंड में? फॉर्मूला क्या है दैट यू विल डायरेक्टली यूज इन न्यूमेरिकल? dn plus a by 2 into 2n minus 1. यस, वेरी गुड. dn इज इक्वल टू u plus a by 2 into 2n minus 1. ये आप वहां से डिराइव करने बैठोगे तो फिर तो न्यूमेरिकल निकल जाएगा आपका, है ना. प्लीज डू द रिटन प्रैक्टिस. यू पीपल आर आउट ऑफ रिटन प्रैक्टिस, सो टू फिनिश द पेपर इन टाइम प्लीज डू द रिटन प्रैक्टिस. घर पे कॉपी पेन लेकर बैठिए. And in physics, calculators are not allowed and we'll be watching you. So calculator humne use nahi karne dene. I'm telling you beforehand. So please, you do your calculations at home when you practice your questions. So do the numericals with your hand only. Don't use calculators even at home. So try to speed up your calculations. Okay? So distance traveled in nth second, we can find by subtracting the distance covered in n minus 1 seconds from distance covered in n seconds. ठीक है, वहां से माइनस करके आप इसको निकाल सकते हो. ठीक है, चलिए. s equal to ut plus half at square, so sn is un plus half an square, and sn minus 1 is un minus 1 plus half a n minus 1 square. बस इसी को सॉल्व करना है, यू विल अराइव एट द रिजल्ट. लेट अस ओपन इट. यू एन माइनस यू
प्लस हाफ ए ए माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी. ओके इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? राइट ठीक है अब इसको सॉल्व कर लीजिए. ओपन द ब्रैकेट नाउ यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर चेंज द साइंस साइड बाय साइड ओपन द ब्रैकेट ठीक है यू गेट दिस फाइन. अब व्हाट गेट्स कैंसल्ड लेट अस कैंसल आउट दिस आल्सो गेट्स कैंसल्ड वी आर लेफ्ट विद थ्री टर्म्स ओनली. सो यू राइट यू प्लस ए एन माइनस ए बाय टू यू प्लस लेट अस टेक ए बाय टू कॉमन सो वी राइट टू एन माइनस वन. So this is distance traveled in nth second u plus a by 2 into 2n minus 1. Have a look at this. If any step is not clear, you can tell me. Yes, students, see if any step is not clear, you can ask. Nothing to ask. Okay, and okay. So next, let us revise those derivations. Five derivations of error in propagation. First derivation is error in sum. Do you remember? First of all, who will tell me what is absolute error? We denoted by delta. If I say that you have a quantity within error limit. X plus minus delta x. Then what is the absolute error in this? Yes, who will tell me? How much is absolute error in the measurement of x plus minus delta x? Hurry up, paper आने वाले हैं. जल्दी बोलिए. If you have a quantity x plus minus delta x, what is the absolute error? How much is the absolute error here? Himanshu, बोलो. Delta x. Yes, delta x is the absolute error. And if I ask what is the relative error, how much is relative or fractional error? Yes, Himanshu, bolo. Max. Huh? X. No. Samriddhi. Delta x over x. Yes. अगर हमने फ्रैक्शनल या रिलेटिव एरर निकालना है इट विल बी डेल्टा एक्स ओवर एक्स. डेल्टा एक्स को एक्स से डिवाइड कर दोगे आप ठीक है. देन व्हाट विल बी द परसेंटेज एरर मल्टीप्लाई दिस विद 100 तो आपका ये परसेंटेज एरर आ जाए ठीक है. डू दिस स्मॉल स्मॉल थिंग्स ओनली. ये सिर्फ क्रैम नहीं करनी है प्रैक्टिकली अप्लाई करिए इनको. आई गिव यू वेरी सिंपल एग्जाम्पल. I'll give you very simple example. Find the percentage error in G. 9.8 plus minus 0.2 meter per second square. Suppose the question is find percentage error in G. What you will do? Same way you will do this. This is X. This is delta X. So percentage error is delta X by X into 100. This will give you percentage error in G. Okay, this will give you percentage error in G. So now you will solve this and give the answer plus minus itne percent. So see the method how to do this. Is that okay? Fine. Achha, ab aap mujhe ye bataiye. I am going to give you one equation. You write the fractional error. Suppose there is a physical quantity Z. Okay, it is a cube b square over c under root d. How will you write a relative error or fractional error in z? Values are not given. Aapko sirf equation likhni hai. Who will tell me? Yes. Write the relative error in quantity z.
Yes, Riddhi. Mam, by binomial theorem 3a 2b and divided by c half d ले लेंगे. क्या लिखेंगे? 3a 2b. Can you show me your divided copy like this where you have written? Turn your video on. Show me your copy. Mam, I have not written. हाँ, show me your copy, Riddhi. Turn on your video and show that because I'm not able to understand what you're saying. Yes, hurry up, hurry up. हाँ, video on होगी आपकी. No, बीच में कुछ plus minus sign नहीं है. No, no. Anybody else? Yes. Arshdeep, yes. Just speak it out. Ma'am, delta z by z is equal to 3 delta a by a plus 2 delta b by b plus delta c by c plus half delta d by d. Very good, very good. See, when the powers are involved, power will come in front and then power times the relative error. हम error की बात कर रहे हैं ना? फ्रैक्शनल एरर. अब अभी आपने बताया कि डेल्टा एक्स ओवर एक्स इज कॉल्ड फ्रैक्शनल एरर और रिलेटिव एरर. तो व्हाट इज द फ्रैक्शनल एरर इन ए क्यूब? पावर आगे आ जाती है 3 डेल्टा ए बाय ए. एंड वेदर वी मल्टीप्लाई द क्वांटिटीज और वेदर वी डिवाइड द क्वांटिटीज, एरर्स आर ऑलवेज एडेड अप. फॉर सम एंड डिफरेंस, फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एब्सोल्यूट एरर्स आर एडेड. एंड फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन, फ्रैक्शनल एरर्स आर एडेड. तो ये प्लीज रिकॉल दीज रिजल्ट्स. ठीक है, वी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम. सो डेल्टा जेड बाय जेड विल बी 3 टाइम्स डेल्टा ए बाय ए प्लस 2 टाइम्स डेल्टा बी बाय बी. अब सी की कोई पावर नहीं है, ओनली डेल्टा सी बाय सी. प्लस अंडर रूट मींस पावर इन हाफ डेल्टा डी बाय डी. सो दिस इज द इक्वेशन. प्लीज लुक एट इट केयरफुली वेदर वी मल्टीप्लाई. यहाँ पे ए बी सी डी सब मल्टीप्लाइड या डिवाइडेड है. मल्टीप्लीकेशन डिविजन में वी एड देयर रिलेटिव एरर्स. पर अगर उनकी कुछ पावर भी हो, पावर आगे आ जाती है, तो वी विल गो ऑन एडिंग दोज रिलेटिव एरर्स विद पावर्स इन फ्रंट. सो दिस बिकम्स आवर इक्वेशन. प्लीज हैव अ लुक एट दिस. इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क. ये पॉइंट बहुत क्लियर होना चाहिए. ओके, चलिए नेक्स्ट है. एनसीईआरटी एग्जांपल्स को भी ट्राई करिए. एरर्स डायमेंशंस के एनसीईआरटी एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं, उनको भी आप ट्राई कर सकते हो. ठीक है, चलिए लेट अस स्टार्ट विद एरर इन एडिशन. एरर व्हेन टू क्वांटिटीज आर एडेड. So let the two quantities be A and B, and let x be their sum. So let x is A plus B. This is equation number 1. Now let delta x, delta A, delta B be the absolute errors in the measurement of these quantities. So within error limits, how we can write the whole equation? X plus minus delta x, A plus minus delta A plus B plus minus delta B. Within error limits, we have transformed the whole equation number 1. पहले without error लिखा, with error लिखा, बस, ठीक है? Now we open this bracket. And write the terms without errors first separately, then with errors. Both are having plus minus in front of them. We take it out. So under kya reh gaya? Delta A plus delta B. This is x plus minus delta x. And I tell you from my experience ki aapko dekhne mein, samajhne mein ye articles bahut easy lage honge. But yeah, when you will actually write it now,
आपको पता ही नहीं लगेगा कहाँ डेल्टा लिखना है कहाँ क्या लिखना है. प्लीज डू द रिटन प्रैक्टिस ऑफ दीज फाइव डेरिवेशन. राइट नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन x इज इक्वल टू ए प्लस बी, दिस गेट्स कैंसल्ड एंड वी आर लेफ्ट विद प्लस माइनस डेल्टा x इज प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b. सो देर आर फोर पॉसिबिलिटीज, फोर पॉसिबल कॉम्बिनेशन, क्योंकि आगे प्लस माइनस है ना. इधर बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव. वन इज पॉजिटिव, सेकेंड इज नेगेटिव, फर्स्ट इज नेगेटिव, सेकेंड इज पॉजिटिव. बट वी हैव टू टेक इन टू काउंट मैक्सिमम पॉसिबल है. हमें पता होना चाहिए कि वाइल डूइंग सम एक्सपेरिमेंट इससे ज्यादा एरर नहीं हम एक्सपेक्ट कर सकते. अकॉर्डिंगली वी कैन डू द कैलकुलेशन. ठीक है, तो एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते टाइम अगर हमें ये पता चल जाए कि एरर लिमिट इससे ज्यादा नहीं होने वाली है तो इट इज गोइंग टू हेल्प अस अ लॉट. सो दैट्स व्हाई वी विल टेक इन टू अकाउंट मैक्सिमम पॉसिबल एरर. हो सकता है एरर उससे कम भी हो बट हम मैक्सिमम को लेके चलेंगे कि इससे ज्यादा एटलीस्ट नहीं हो सकता. ओनली देन वी विल बी एबल टू कम टू अ कंक्लूजन. सो मैक्सिमम पॉसिबल एरर आउट ऑफ दीज इज द फर्स्ट वन व्हेन वी ऐड देम अप. So that means when we add two quantities, their errors should also be added up. But which errors? Absolute errors. So this is our result. So maximum possible error in sum of two physical quantities is the addition of their individual absolute errors. This is our first article. Is that clear, students? First article is clear to you? Okay, किसी को doubt तो नहीं है. अब करते हैं subtraction. Subtraction, error in difference or subtraction. So same way, let x is a minus b now. Now a minus b है. Sum की बजाय difference है. So transforming within error limit, यहाँ minus आ गया. ठीक है. यहां पे माइनस बी आ गया. व्हाट अबाउट हियर? प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, अगेन बोथ द साइंस विल बी टुगेदर. तो ये गलत नहीं है. अब ब्रैकेट में विदाउट एरर्स हमने लिखा ए माइनस बी, अगेन इट्स गोइंग टू गेट कैंसल्ड. बट हियर स्टिल इट इज द सेम. सो वेदर वी एड टू क्वांटिटीज और सब्ट्रैक्ट टू क्वांटिटीज, we will be adding their absolute errors of this. ठीक है, तो चाहे हम दो quantities को add करें या subtract करें, उनके absolute errors को हमने add ही करना है. आप ये देखिए, errors को हम कभी subtract कर ही नहीं रहे. errors को कभी भी subtract, multiply, divide नहीं करना. हम quantities को कर रहे हैं पर errors को नहीं करना. So two articles we have completed, right? अब इसके बाद आपके कौन से आर्टिकल रह जाएंगे? मल्टीप्लीकेशन मतलब प्रोडक्ट एंड कोशेंट. चलिए प्रोडक्ट की स्टार्ट करिए डेरिवेशन. यस हरी अप. एरर इन प्रोडक्ट थर्ड, थर्ड वन इज एरर इन प्रोडक्ट. So let x be the product of a and b. So x is a multiplied by b now. So here we will write a multiplied by b and then opening the bracket we will get something else. We will multiply. ठीक है? So x plus minus delta x, let's open the bracket. A into b plus minus a into delta b. जब आपने एरर से मल्टीप्लाई करना है एक डॉट डाल दीजिए बीच में तो डिस्टिंग्विश कि ये ए विदाउट एरर है और ये विद एरर. वी हैव मल्टीप्लाइड ए एंड डेल्टा बी, तो आप लिखोगे ए डेल्टा डॉट डेल्टा बी. नाउ वी मल्टीप्लाई डेल्टा ए एंड बी, तो हाउ विल बी यू राइट? यू विल राइट बी डॉट डेल्टा ए. देन मल्टीप्लाई डेल्टा ए डेल्टा बी, यू विल राइट डेल्टा ए डॉट डेल्टा बी. सो दिस इज हाउ वी मल्टीप्लाई. I hope this step is clear. Is it clear, students?
ऑल राइट, चलिए अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन एक्स इज ए इंटू बी दैट गेट्स कैंसिल एंड दिस प्रोडक्ट डेल्टा ए डेल्टा बी इज वेरी वेरी स्मॉल, वी इग्नोर इट. व्हाई इट इज स्मॉल? बिकॉज एरर्स डेल्टा ए डेल्टा बी आर वेरी स्मॉल एंड द प्रोडक्ट विल बी स्टिल स्मॉलर, सो वी इग्नोर. फॉर आई गेव यू वन एग्जाम्पल, सपोज डेल्टा ए इज 0.1 एंड डेल्टा बी इज 0.2, वट विल बी देयर प्रोडक्ट? 0.02. वो और भी कम हो जाएगा, वो वैसे ही रेंज में नहीं आए, तो हम उसको इग्नोर कर देते. सो वी आर लेफ्ट विद अल्टीमेटली टू टर्म्स ऑन राइट हैंड साइड. बट टू सिंप्लीफाई फर्दर, लेट्स डिवाइड बोथ साइड्स बाय ए बी. डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय ए बी, बी गेट्स कैंसल्ड, ए गेट्स कैंसल्ड एंड ए बी इज एक्स. सो राइटिंग इट एक्स हियर, डेल्टा बी बाय बी प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए, ए को आगे लिख लेते हैं. सो अगेन प्लस माइनस फोर कॉम्बिनेशंस विल बी मेड एंड वी विल बी सिलेक्टिंग द मैक्सिमम पॉसिबल एरर. सो वी विल बी सिलेक्टिंग ओनली देयर पॉजिटिव वैल्यूज. तो बट यहां पे हमने देखा कि रिलेटिव एरर्स आर एडेड अप, हियर रिलेटिव एरर्स आर बीइंग एडेड अप. Again, we will add their errors, but in this case of product, we will add their relative errors, not absolute errors. यहाँ पे equation delta x is delta a plus delta b नहीं आ रही है, यहाँ आ रही है delta x over x is delta a over a plus delta b over b. So always remember कि when we are multiplying two quantities, their relative errors will be added. अब relative के दोनों side को 100 से multiply कर दो, percentage error भी बन जाएंगे. तो आप परसेंटेज एरर्स को भी ऐड कर सकते हो, रिलेटिव एरर्स को भी ऐड कर सकते हो. बट एब्सोल्यूट एरर अगर आपने निकालना है तो व्हाट यू हैव टू डू, आपको अगर एब्सोल्यूट एरर चाहिए प्रोडक्ट में तो पहले आप इसका एलसीएम लेके सॉल्व करिए. टेक दिस एक्स ऑन दैट साइड, उसको वहां पे मल्टीप्लाई करिए, फिर आप डेल्टा एक्स निकाल सकते हो. इसमें आपको थोड़ा आउट ऑफ द वे जाके डेल्टा एक्स निकालना पड़ेगा इफ यू वॉन्ट, राइट? तो अदरवाइज क्या है, आप डायरेक्टली आपको रिलेटिव एरर आएगा पहले प्रोडक्ट में. सेम वे कोशेंट में भी ऐसे है. सो लेट अस डू द डेरिवेशन ऑफ कोशेंट, एरर इन कोशेंट. बट फर्स्ट ऑफ ऑल सी दिस इज क्लियर टू यू. इसमें बच्चे को डाउट है तो देख लीजिए, प्लीज डू द रिटन प्रैक्टिस टुडे. इन सभी की आज लिख कर प्रैक्टिस करिए, ठीक है? लास्ट है एरर, सेकेंड लास्ट है एरर इन कोशेंट व्हेन टू क्वांटिटीज आर डिवाइडेड. So x is a over b, x is quotient when a and b are divided, writing within error limits. Writing the whole equation within error limits, we get this. अब इसको solve करते हैं, ठीक है? चलिए अब यहां से अगर x common ले लें तो क्या आएगा, x over x अगर हमने कॉमन लिया है तो डिवाइड हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा. मतलब कि वन प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाय एक्स. आई होप दिस स्टेप इज क्लियर टू यू. देन सिमिलरली टेक ए कॉमन फ्रॉम हियर एंड बी कॉमन फ्रॉम हियर. ए वन प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए ओवर बी, 1 प्लस माइनस डेल्टा बी ओवर बी. बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने यहां से x कॉमन निकाला था वैसे ए और बी निकाला. अब इन द नेक्स्ट स्टेप x इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाय x ए ओवर बी, 1 प्लस